नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ चलिए आज हम जानते हैं कि एकादशी तिथियों में भगवान है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस साल बरूथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, भगवान के समक्ष दीपक जलाने से, पुष्प चढ़ाने से, चंदन लगाने से तथा भगवान के नाम का कीर्तन करने से, तुलसी दल अर्पित करने से, भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न ही नहीं होते, कष्टों से मुक्ति भी देते हैं और इस जन्म में सुख की प्राप्ति कर अंत में भगवान के धाम को भी जाता है। बरूथनी एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है। 25 अप्रैल दिन सोमवार को शुरू होगी, 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रहेगी, इसलिए जो व्रत है वो 26 अप्रैल को किया जाएगा। तो बरूथनी एकादशी में आप सभी 26 अप्रैल को व्रत करें और 27 अप्रैल दिन बुधवार को 6:41 से सुबह 8:22 के बीच पारण करें। पारण हमेशा ध्यान रखें द्वादशी तिथि में हो, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब सुनते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वो बड़े दानशील तपस्वी थे। एक दिन जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा परंतु अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बड़ा घबराया, मगर तपस्वी धर्म अनुकूल उसने क्रोध हिंसा नहीं किया। भगवान विष्णु से करुण पुकार किया, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और उनकी तपस्या के फल के स्वरूप भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान नारायण बोले, हे वत्स शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, बरूथनी एकादशी का व्रत करके मेरे बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम सुंदर अंगों वाले पूर्वत हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, धन से पीड़ित है, अशांति है, मन में नाना प्रकार के रोग हैं, शोक हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, राम, कृष्ण, हरि, वराह इत्यादि भगवान के रूपों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर लें, भगवान को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं या जो भी आपके पास पुष्प हों वो चढ़ाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, दंडवत प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान आपके सभी कष्टों को लक्ष्मी नारायण दूर करेंगे और आप सभी का मंगल और कल्याण होगा। भगवान दयालु हैं, करुणा निधान है। भगवान को ऐसे पुकारना है जैसे एक नवजात शिशु रोकर अपनी माँ को पुकारता है। ऐसे भगवान की प्रतीक्षा करनी है जैसे बाहर गया किसी प्रियतमा का पति
बाहर गया हो तो पत्नी उसकी प्रतीक्षा देखती रहती है। ऐसे ही उसके लिए भगवान परमात्मा के लिए ऐसे ही व्याकुल होना चाहिए, ऐसे ही पुकारना चाहिए जैसे जल में डूबा हुआ व्यक्ति, जैसे रात शाम को आती हुई गाय जब अपने बच्चे के लिए हुंकार भरकर दौड़ती है घास खा करके। ऐसे ही भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए जैसे घोंसले में बैठे हुए बच्चे अपने चिड़िया माँ की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही भगवान की करुण पुकार करें। भगवान तो कृपा निधान है, दयालु है, वो उन्हीं की कृपा से तो हमें जीवन मिला है। तो ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन उपावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। तो ये जीवन समाप्त हो उससे पहले अपने जीवन को शुभ कर्म में लगाएं और परमात्मा का ध्यान करें। शुभ कर्म करिए, शुभ सोचिए, शुभ होगा। नारायण की कृपा, लक्ष्मी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री हरि।